नमस्कार, सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई अपडेट में। तो बहनों, इस नए साल का ये दूसरा अपडेट आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आप सभी को नए साल में एक अपडेट बताया था जो कि 20.0 का वो अपडेट आया था, तो ये जो अपडेट आया है 20.1.1 का एक न्यू अपडेट फिर से आ चुका है। तो सभी सेविका बहनें इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप में लगातार अपडेट आते रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है, इसलिए आप सभी को सभी अपडेट देखने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और जब जब अपडेट आता है तो आप सभी लोग उसको अपडेट ज़रूर करें ताकि जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। तो चलिए जानते हैं इस अपडेट में क्या आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करेंगे, तो अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अपडेट देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वर्जन चेक करा देता हूँ। देखिए 20.1.1 का ये न्यू वर्जन आ चुका है, ठीक है। इसमें दो ही अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि पिछला अपडेट आया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो एमपीआर की रिपोर्ट है, जो अप्रैल माह का जो एमपीआर का रिपोर्ट है, वो वहाँ पर नहीं दिखा रहा था, लेकिन इस अपडेट में उस प्रॉब्लम को भी फिक्स कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हॉट फिक्स फॉर क्रैश फिक्सेस इन ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड एड ग्रोथ न्यूट्रिशन डिटेल्स, तो ये जो दो अपडेट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशन डिटेल्स, उसमें भी आप लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। आप लोग कमेंट करके बता रहे थे कि यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से अपडेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 3 जनवरी 2024 को ये अपडेट डेट आया हुआ है, ठीक है। हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बहुत ही जल्द ये अपडेट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोनों अपडेट के बारे में। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपडेट की ओर। जैसा कि पहला अपडेट आप लोगों को होम पेज पर ही देखने को मिल जाएगा, चूँकि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि जो एमपीआर की रिपोर्ट है वो अप्रैल माह का जो उसमें अपडेट आया था, लेकिन उसमें वो अपडेट नहीं दिखा रहा था, लेकिन इसमें अब आप लोगों का जो एमपीआर का डाटा है वो अप्रैल माह का आप लोग चेक कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे एमपीआर का रिपोर्ट जो है उसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो कैलेंडर का ऑप्शन है इसको हम लोग खोल लेते हैं। चलिए यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कोई भी आपका जो मंथ है वो नहीं शो कर रहा है। तो देखिए ये 2024 का ये रिपोर्ट दिखा रहा है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो एरो का निशान दिखा रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2023 का जो कैलेंडर है वो खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आसानी से आप लोग देख सकते हैं कि जो अप्रैल माह का यहाँ पे एमपीआर का रिपोर्ट है वो नहीं दिख पा रहा था, लेकिन अब इस अपडेट के साथ आप लोग जो भी एमपीआर का अप्रैल माह का रिपोर्ट है वो आसानी से देख सकते हैं। उसके आगे जो भी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ तक आप लोग अपना एमपीआर की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम अप्रैल माह का ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल 2023 का ये रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रहा है कि आपने उस महीने में क्या क्या यहाँ पे एंट्री की है, क्या छोड़ दिया है, सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम आप दूसरे अपडेट की ओर। जो आप लोगों का जो दूसरा अपडेट था यहाँ पे चिल्ड्रेन वाले ऑप्शन में था, जैसे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग से रिलेटेड आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि बच्चों का हाइट वेट डालने में प्रॉब्लम आ रही थी या फिर जो भी दिक्कतें हो रही थी वो आपके यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। चलिए हम यहाँ पे किसी एक बच्चे के 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब आप लोग जो भी यहाँ पे बच्चों का हाइट वेट डालेंगे वो आप लोगों को यहाँ पे आसानी से सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को चूंकि पता ही है कि जो भी हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं वो 7 तारीख से पहले हम लोगों को ग्रोथ मॉनिटरिंग कम्प्लीट कर लेनी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज 4 जनवरी है तो 3 दिन और बाकी है। आप लोग जितना जल्द हो सके सभी आंगनबाड़ी बहनें अपने अपने स्तर से जो ग्रोथ मॉनिटरिंग की रिपोर्ट है उसको 100% कम्प्लीट जरूर कर लें, ठीक है। उसके बाद इसी में एक और अपडेट है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स, इसमें भी आप लोगों को जो भी परेशानी हो रही थी वो आप लोगों की परेशानी यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। अब कोई भी आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आप लोग बच्चों का न्यूट्रिशन भरते थे वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम आपको एक वीडियो सजेस्ट करेंगे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर करें।
यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।